To my YouTube channel. So start karte Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow's intraday trading session and we'll discuss the stocks as well. So maine aapko last video mein bola tha ke Bank Nifty mein agar intraday dip milta hai to buy karna hai, short bilkul bhi nahi karna hai kyunki setup thoda positive bias tha. 20,000 ke upar expiry nahi hua lekin niche bhi nahi gira. Agar aap dekho HDFC Nifty bahut niche tha lekin hamara market zyada niche nahi gira. Ek flat expiry hame dekhne ko mila 19,500 ke aas paas hi expire hua hai. और निफ्टी भी 9,200 के आसपास ही एक्सपायर हुआ है. अभी आने वाले दिनों में व्यू क्या है वो देखते हैं. तो व्यू अभी भी अगर आप देखो अभी भी ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है. इट मींस व्यू इज स्टिल बेरिश ओनली एंड अगर ये लो ब्रेक करता है तो वापस एक हमें फॉल देखने को मिल सकता है. ये कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है तो हायर चांसेस है कि वापस हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है. ये कैंडल का लो है 9116 के आसपास. 9,100 अगर टूटता है निफ्टी में तो वापस हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है. और बैंक निफ्टी में भी 19,000 इंपॉर्टेंट लेवल है. 19,000 अगर टूटता है तो वापस हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है. सो निफ्टी बैंक निफ्टी में कंडीशनल बेरिश व्यू है. 9,100 के नीचे निफ्टी बेरिश है और बैंक निफ्टी 19,000 के नीचे बेरिश होगा. मैंने लास्ट वीडियो में आपको बंधन बैंक बोला था 250 के ऊपर बाय करना है. अगर आप देखो 263 तक जाके आया ये. मुथूट फाइनेंस मैंने आपको बोला था बाय 836 तक जाके आया. 840 का टारगेट था. सन टीवी मैंने आपको सेल बोला था 370 के नीचे. ये 370 के नीचे गया ही नहीं. सेल का जो लेवल था वो ट्रिगर हुआ ही नहीं. अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के लिए. सबसे पहला स्टॉक होगा रिलायंस. रिलायंस अगर आप देखो एक क्लीन एंड क्लियर ब्रेकआउट दिया इसने. रिलायंस ने आज इसने 1500 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया. ये पूरा कंसोलिडेशन था ठीक है. और ये कंसोलिडेशन के बाद अब ये फ्रेश ब्रेकआउट दिया है तो मुझे लगता है रिलायंस में एक अच्छा आपको हमें देखने को मिल सकता है. एंड पॉसिबल टारगेट मे बी समवेयर अराउंड 1600 यहाँ तक जा सकता है. ये पॉसिबल है. सो 1600 तक के टारगेट 1600 तक के टारगेट्स हमें रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं. कौन से लेवल पे ट्रेड करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. नेक्स्ट स्टॉक होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर. हिंदुस्तान यूनिलीवर में आज स्टेक सेलिंग हुआ था, डील हुआ था. बट यू कैन सी हियर देयर वाज अ शार्प फॉल एंड अभी एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिला और 1900 के आसपास इसने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम. आप वॉल्यूम कैंडल देख सकते हो, बहुत बड़ा वॉल्यूम है करेक्ट. हायर चांसेस है मुझे लगता है कि अगर ये 2000 के ऊपर जाता है जो कि राउंड ऑफ लेवल होगा 2000 के लेवल के ऊपर अगर जाता है ये तो एक अच्छा साइकोलॉजिकल फैक्टर होगा और एक अच्छा बड़ा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है. सो 2000 के ऊपर ये बाय रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर फॉर अ टारगेट ऑफ 2100-2200. सो हिंदुस्तान यूनिलीवर बाय है. एंड लास्ट स्टॉक होगा ओएनजीसी. ओएनजीसी में अगर आप देखो सेटअप एक्सट्रीमली नेगेटिव है. यू कैन सी हियर एक्सट्रीमली नेगेटिव सेटअप है. यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, फिर ब्रेकडाउन दिया था, वापस गिरा था और सेम सेटअप यहाँ पे हो रहा है. वापस कंसोलिडेट किया और हायर चांसेस है वापस ये ब्रेकडाउन हो सकता है. ओएनजीसी कैन बी अ वेरी गुड शॉर्ट ट्रेड फॉर टुमारोज इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन. एट वॉट लेवल यू हैव टू ट्रेड आई विल गिव लेवल्स इन टेलीग्राम चैनल. सो आई होप मेरे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे होंगे एंड प्लीज लाइक एंड शेयर वीडियो एंड प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग माय कॉल्स एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स. आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कौन सा ट्रेड लिया है, कौन सा ट्रेड आप फॉलो कर रहे हो एंड यू आर लर्निंग एंड अर्निंग बोथ. प्लीज गिव अ कमेंट दैट यस यू आर लर्निंग एंड अर्निंग बोथ. एंड किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर आप पास्ट ट्रेड्स क्यों नहीं दिखाते, आप लर्निंग वीडियोज क्यों नहीं बनाते. तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोज बहुत सारे मैंने देखे. ज़्यादातर वीडियोस में सिर्फ टॉक्स होता है, बातें होती हैं और हमेशा पास्ट ट्रेड्स दिखाते हैं. आई डोंट बिलीव इन पास्ट ट्रेड्स क्योंकि मेरे पास्ट ट्रेड्स देख के, मेरे पास्ट प्रॉफिट्स देख के आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा और आपको कुछ प्रॉफिट नहीं आएगा. सो व्हाट आई बिलीव इज अ ट्रेडर विल ऑलवेज टेल यू व्हाट ट्रेड यू हैव टू टेक टुमारो. गुड ट्रेडर आपको हमेशा कल क्या ट्रेड लेना है वो बताएगा. सो दिस इज व्हाट आई बिलीव. सो इसलिए मैं आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या ट्रेड लेना है ये मैं बताता हूँ. इस पर ज़्यादा फोकस रहता है और मैं यही कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके जाता है कि मेरे व्यूअर्स को प्रॉफिट आए. एंड मेक श्योर यू मेक प्रॉफिट एंड इफ एनीवन आस्क यू कैसे प्रॉफिट कमा रहे हो, क्या हो रहा है, देन प्लीज टेल माय नेम दैट आई एम वाचिंग वीडियोस ऑफ मनीष शर्मा एंड आई एम मेकिंग प्रॉफिट. तो आप ट्रेड में पैसा कमाना है और आप अगर कोई पूछे कि आप प्रॉफिट कैसे कमा रहे हो ये बोलना है कि मनीष शर्मा का वीडियो मैं यूट्यूब पर देखता हूँ और वो वीडियोज देख के मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ. सो आई होप आप इतना तो कर सकते हो क्योंकि मैं आपको फ्री ट्रेड दे रहा हूँ और फ्री नॉलेज दे रहा हूँ. So at least you can do this for me. Keep supporting, keep loving. Thanks a lot for watching the video. See you in the next video.